माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, ईसा मसीह ने पास्का भोज के समय पर परम प्रसाद की स्थापना की और उसमें जो चार कप का क्या मतलब है, बाइबल के साथ वो चार कप कैसे कनेक्टेड है और चौथा कप के कुछ रहस्यों को हम लोगों ने कल मनन चिंतन किया और इसके द्वारा हम लोगों ने ये सीखा है कि ईसा मसीह ने उस पास्का भोज, जो पुराना विधान के जो पास्का भोज को आज हमारे लिए मिस्सा बलिदान के रूप में ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु का, हमारा मुक्ति का कारण जो क्रूस मृत्यु है वो बलि के रूप में हमें प्रदान किया। और हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 में इसकी स्थापना करते हुए ईसा मसीह ने कहा, ये मेरे स्मृति में किया करो। और साथ ही साथ हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, वाक्य 23 से मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 23। वहां पर संत पौलुस कहते हैं, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़े जाएंगे उन्होंने रोटी लेकर, देखो लेना, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, सेकंड धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ना, उससे तोड़े, तीसरा काम, और ये कहा यह मेरा शरीर है तुम्हारे लिए, ये बोल करके लोगों को दे रहा है, चार कार्य किया। और इसके बाद प्रभु ने कहा, यह मेरी स्मृति में किया करो। वाक्य 25 वहां पर भी लिखा है, प्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर के कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, मेरा रक्त का नूतन विधान है ये प्याला, जब जब तुम उसमें से पियो तो ये मेरी स्मृति में किया करो। और वाक्य 26 में लिखा है, इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक, इसका मतलब ईसा मसीह के सेकंड कमिंग तक, उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। उन्होंने जो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए जो अपने जीवन कष्ट पीड़ा सहा और उनका मृत्यु होना और तीसरे दिन जी उठना, इसकी स्मृति को हम कायम रखते हैं इस मिस्सा बलिदान में। और आगे वाक्य 27 में लिखा है, इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। जब हम लोग उस रोटी को खा रहा है, उस प्याले को पी रहा है, यदि अयोग्य रीति से खाएगा पिएगा तो हम कौन सा पाप कर रहा है, प्रभु के शरीर का और रक्त के विरुद्ध अपराध कर रहा है। इसका मतलब वो रोटी क्या है, प्रभु का शरीर है, शरीर का प्रतीक नहीं है, वो शरीर है। और
जो प्याला पी रहा है वो क्या है? प्रभु का रक्त है, इसलिए शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध है। तो संत पौलुस वाक्य 23 में 23 में कहते हैं, मैं प्रभु से डायरेक्ट सुना, मैं किसी शिष्यों से सुनकर के नहीं सिखा रहा है, मैं प्रभु ने मुझसे प्रकट किया ये बात। यदि हम लोग गलातियों का पत्र दिया एक को पढ़ेंगे, गलातियों का पत्र अध्याय एक, गलातियंस चैप्टर एक वाक्य 11 और 12 को पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस ये बात को साफ साफ बताकर के दे रहा है, भाइयों मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रचित नहीं है। किसी मनुष्य ने कहानी बना करके जो बोला हुआ बात मैं नहीं सुनाया। इसके बाद क्या कहते हैं, मैंने किसी मनुष्य से उसे ना तो ग्रहण किया और ना सीखा, 12 शिष्यों से नहीं सीखा बोल रहा है, किसी अन्य लोग जो उन लोग जो सिखा रहे थे उसको सुनकर के नहीं सिखाया, बल्कि मैं जो कुछ सिखा रहा हूं उसे ईसा मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। यही बात कुरिंथियों का पहला पत्र दिया है 11:23 में संत पौलुस बोलते हैं, मैंने प्रभु से सुना इस अंतिम भोजन के समय पर प्रभु ने क्या किया, और प्रभु कहा है मेरा शरीर है, इसका मतलब ईसा मसीह ने कहा मेरा शरीर है, वो शरीर है रोटी नहीं है। हो सकता है उस समय पर शिष्यों को या अन्य लोगों को ये समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है ईसा मसीह ने, इसलिए मैंने बीती क्लास में ईसा मिस्सा बलिदान क्रूस बलि के पहले ईसा मसीह ने क्या कार्य किया, मनुष्य जन्म लेकर के प्रभु जब 3 वर्ष जो पब्लिक लाइफ सिखाना शुरू किया, किसके विषय में सिखाया, अपने मृत्यु के द्वारा मानव जाति को जो मुक्ति देने के विषय में, और उसके लिए उसने सबसे पहले एक यहूदी कलीसिया का स्थापना किया, युक्रस्तीय कलीसिया रोटियों का चमत्कार, इसके बाद गैर यहूदियों का कलीसिया वो भी रोटियों का चमत्कार के द्वारा, इस प्रकार 2 रोटियों का चमत्कार मैंने बोला हो, युक्रस्तीय कलीसिया की स्थापना किया। इसके बाद अध्याय 16 के अंदर हम लोगों ने मनन चिंतन किया था, वो यहूदी गैर यहूदी कलीसिया को पेत्रुस रूपी चट्टान पर जिस कलीसिया को प्रभु ने स्थापित किया वो कलीसिया है यहूदी गैर यहूदी, उसका मुखिया है पेत्रुस। योहन के सुसमाचार अध्याय 21:15-16-17 में मेरे इन यहूदी गैर यहूदियों के इन भेड़ों को मेमनों को चराओ बोल करके अधिकार संत पेत्रुस को दिया, और इसके बाद उनका स्वर्गारोहण हो रहा है। पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा आने के बाद शिष्य लोग वही रोटी दाकर उसको रख करके प्रभु ईसा मसीह के शरीर और रक्त को ग्रहण करना उसको मनाना शुरू किया था। योहन के सुसमाचार दिया 6 के बारे में भी हम लोगों ने हाल ही में मनन चिंतन किया, प्रभु ईसा मसीह ने साफ साफ सिखाया। जॉन चैप्टर 6:56-57 के अंदर हम लोगों ने सीखा, जो मुझे खाता है उसे जीवन मिलेगा, मैं मेरा शरीर खाता जो रक्त पीता है उसमें मैं निवास करूंगा और उसमें वो मुझ में निवास करेगा। इसका मतलब मेरे अंदर ईसा मसीह शारीरिक रूप से निवास करने के लिए मुझे प्रभु ईसा मसीह का शरीर को रक्त को खाना पीना है, और ये शिक्षा शिष्य लोगों को दे रहा था, इसलिए अनेकों शिष्य लोग ईसा मसीह को छोड़ करके चला गया करके हम लोग योहन का सुसमाचार दिया ये 6:66 में, जॉन चैप्टर 6:66 में हम लोगों ने सीखा। तो ईसा मसीह उन लोगों को वापस नहीं बुला रहे, अरे तुम नहीं समझा, तुम्हें तो रोटी खाना है, तुम्हें तो दागरस पीना है, वो ऐसा प्रतीक के रूप में मैंने बोला, ईसा मसीह ने एक नहीं कहा, बल्कि पास में बैठने वाले जो 12 शिष्य लोग था उनसे कहा तुम भी जाना चाहते तो जाओ, लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हुए रहना है तुम्हें मेरा शरीर खाना है, मेरे रक्त को पीना है। ईसा मसीह के शरीर को जब तक खाएंगे नहीं, रक्त को नहीं पिएंगे, हम प्रभु में नहीं रह सकता, ईसाई नहीं रह सकता। इसलिए
हमारे सात संस्कार है, सात संस्कार। जो पहला तीन संस्कार जो होता है, बपतिस्मा, दृढ़ीकरण और यूक्रिस्तीय संस्कार, इसको क्रिस्तीय विश्वास में प्रवेशिका कहते हैं, सैक्रमेंट ऑफ इनिशिएशन कहते हैं, वो प्रवेशिका द्वार है। प्रभु में प्रवेश होकर के एक बनने के लिए तीन संस्कार को प्रभु ने ठहराया, बपतिस्मा, दृढ़ीकरण, इसके बाद यूक्रिस्तीय संस्कार। ये तीनों के द्वारा हम उस कलीसिया से, प्रभु की संकति में, प्रभु से, प्रभु के शरीर से हम जुड़ जाते हैं। खाना पड़ेगा, तो प्रभु का शरीर को खाना जरूरी है। रोटी खाना, दाखरस पीना काफी नहीं है। और ईसा मसीह ने 2000 साल पहले किया है बोल करके उसका यादगारी मनाना, कई लोग बोलते हैं मेरे यादगारी में किया करो, बोला यादगारी है कर करके बोलता है, उस यादगारी उसी प्रकार का एनैक्टमेंट है। इसलिए वो मिस्सा बलिदान में ये जो रोटी और दाकरस के ऊपर आशीष पढ़ने के पूर्व में हमें मालूम है हमारे कैथोलिक के चर्च के अंदर 24 ग्रुप है, 24 ग्रुप, 24 कलीसियाएं मिलकर के रोमन कैथोलिक चर्च है। जो रोमन कैथोलिक चर्च है 24 कलीसियाओं का वो जो मिलकर के है, इन्हें 24 कलीसियाओं का मिस्सा बलिदान का प्रार्थनाएं अलग अलग है। जैसे हमारे भारत देश में तीन कलीसियाएं हैं, एक हमारे जो लैटिन कलीसिया मुख्य जो बड़ा कलीसिया, इसके बाद सेकंड सिरो मलबार कलीसिया और तीसरा है सिरो मलंगरा कलीसिया। ये तीनों कलीसियाओं का हम लोग देख सकते हैं मिसा का, ये जो पवित्र रोटी और दाकरस का आशीष के पहले एक प्रार्थना होता है, हमारा हृदय को, हमारे मन को प्रभु के जो पिता के दहने रहने वाले ईसा मसीह को स्वर्ग की ओर लेकर के जाता है, हमारा मन विचार स्वर्ग में लेकर के जा रहा है। इसका मतलब हमें एक प्रकार स्वर्ग में लेकर के जाता है। इसके बाद मिस्सा बलिदान इसके बाद कहां है, इसका मतलब स्वर्ग में मनाया जाता है। और जो पुरोहित है ईसा मसीह का स्थानपति बनकर के, इन पर्सन क्रिस्टी बनकर के वहां खड़े, इसका मतलब स्थान पर वो है, कौन कर रहा है। उदाहरण के लिए भारत देश का अंबासडर यदि अमेरिका में है, उस अंबासडर वहां पर आधिकारिक रूप से कुछ भी वहां के प्रेसिडेंट को जो बोला जाता है वो भारत देश का संदेश है, वो भारत देश का संदेश उस अंबासडर के द्वारा वहां पर दिया जाता है। इसका मतलब भारत देश की ओर से, हमारे भारत का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की ओर से जो संदेश अमेरिका को देना है वो वहां का अंबासडर के द्वारा दिया जाता है। इसका मतलब अंबासडर जो देता है वो भारत देश का संदेश है। बाइबल का एक और अच्छा उदाहरण ले सकते हैं, यदि ये अंबासडर वाला बात समझ में आ गया, अगला उदाहरण यही है ईसा मसीह के जन्म के लिए जो तैयारी करवाने के लिए स्वर्ग से स्वर्गदूत गैब्रियल को भेजा गया। गैब्रियल स्वर्गदूत का जो संदेश जो माता मरियम को दिया वो संदेश गैब्रियल दूत का संदेश नहीं है, वो गैब्रियल दूत का संदेश नहीं है, बल्कि वो संदेश है ईश्वर का। ईश्वर की ओर से गैब्रियल दूत ने वो संदेश माता मरियम को सुनाई, माता मरियम ने उस संदेश को उस गैब्रियल स्वर्गदूत के सामने हाँ कर करके स्वीकार किया, वो ईश्वर के सामने स्वीकार कर रहा था। उसी प्रकार पवित्र मिस्सा बलिदान में एक पुरोहित इन पर्सन क्रिस्टी क्रिस्त के स्थान पर खड़े होकर के वो कार्य कर रहा है। इसका मतलब कार्य कौन करता है, एक्चुअली ईसा मसीह स्वयं वो करता है। इसलिए उसके पहले बोलता है हमारा हृदय मन को प्रभु की ओर उठाओ, उस स्थान पर, उस तो हमारे मन वहां लगे हुए हैं, वहां है, हम स्वर्ग में है, ये हम लोग जवाब दे करके इसके बाद वो शुरू करते हैं। जैसे स्वर्ग में
प्रभु की स्तुति करता है, पवित्र पवित्र विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर बोलकर के। इसका मतलब स्वर्ग में जो स्वर्गदूत लोग संत लोग मिलकर के ईश्वर की स्तुति कर रहा है, हम जन समुदाय भी उनके साथ मिलकर के देखो प्रभु की स्तुति करने के बाद वो आशीष की प्रार्थना सब पढ़ रहा है। इसका मतलब ये मिस्सा स्वर्ग में अर्पित कर रहा है। 2000 साल पहले ईसा मसीह ने जिस मिस्सा को अर्पित किया उसका पुनः आवृत्ति एनएक्टमेंट यहां पर हो रहा है। बार बार दोबारा नहीं है, वही मिस्सा 2000 साल पहले जो कलवारी के क्रूस पर अर्पित करने वाला वही मिस्सा यहां पर पुनः आविष्कार कर रहा है। वही मिस्सा, मिस्सा एक ही है, बेली एक ही है। बार बार बेली अर्पित नहीं कर, बेली एक है। वो बेली को यहां एनाक्ट किया जाता है, उसी के द्वारा प्रभु ईसा मसीह का वो रोटी और जो दाखरस प्रभु ईसा मसीह ने शिष्यों को देते हुए ये कहा, ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है। इसका मतलब उस शरीर रक्त को ही शिष्य लोग उसके द्वारा ग्रहण किया था। तो हर मिस्सा बलिदान में वही हो रहा है। अभी कई लोगों को एक डाउट है कैसे बदलता है, देखने में और टेस्ट में सब रोटी का ही टेस्ट है, दाकरस का ही टेस्ट है, उसको अगर पीते जाएं तो मतवाला भी हो सकता है। तो ये कैसे, ईसा मसीह का शरीर है, रक्त है। इसको कैथोलिक चर्च सिखाते हैं, जैसे मैंने एक क्लास लिया था योहन के सुसमाचार के अनुसार किस प्रकार ये बलि अर्पित किया बोल करके। हम लोगों ने सबसे पहले वहां पर काना के विवाह भोज को उदाहरण के तौर पर लिया था। वहां पर काना में पानी को दाकरस में बदला था, उस बदलाव को मैंने एक नाम बताया था, पानी के तत्व अंगूरी के तत्व में बदल गया था। पानी का तत्व अंगूरी के तत्व में बदल गया। वो तत्व का परिवर्तन ईसा मसीह कर सकता है, तत्व परिवर्तन। इसको अंग्रेजी में ट्रांससब्सटेंशिएशन कहते हैं। मैं इसके अंदर केवल ट्रांससब्सटेंशिएशन का ही एक क्लास डाल चुका हूं, मुझे याद है कैसे कैसे ट्रांससब्सटेंशिएशन होना है। इसके विषय में और गहराई से कई उदाहरण बोल करके, मुझे याद है मैंने एप्पल का सब उदाहरण उस क्लास के अंदर बता करके दिया था। कई प्रकार का एप्पल, कई कोई टमाटर जैसे दिखता है, कई येलो है, कई गोल्ड कलर है, तो इसको सबको एप्पल क्यों कहते हैं, टेस्ट भी अलग है, कोई मीठा है, कोई खट्टा टाइप में भी है, तो इसको सबको एप्पल क्यों कहते हैं। तब वहां पर मैंने ये बता करके दिया था, क्योंकि इन सभी में मेरे में सैकड़ों किस्म का एप्पल है, सबको एप्पल कहलाने का कारण है सबका जो तत्व है, सब्सटेंस है, एक होने के कारण। जैसे गेहूं है, कई नाम से गेहूं है, कई प्रकार का गेहूं है, कई कलर में गेहूं मिलता है, तो उसको गेहूं कर करके क्यों कहते हैं, क्योंकि उस गेहूं का सबका एक ही सब्सटेंस होने के कारण उसको गेहूं कहते हैं, उसको सब्सटेंस कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो ईसा मसीह ने वहां पर पानी के तत्व को अंगूरी के तत्व में बदल करके ये बताया, मैं पानी के तत्व को अंगूरी के तत्व में बदल सकता हूं। और साथ ही साथ अब मिस्सा बलिदान में उस अंगूरी को रक्त में बदलना है, ईसा मसीह के रक्त में बदलना है। इसका मतलब ईसा मसीह यहां रोटी और दाकरस आशीर्वाद देने के करने के बाद शिष्यों को देकर के कहे, मेरा शरीर है, मेरे रक्त है। इसका मतलब उसका जो तत्व है वो रक्त के तत्व में परिवर्तित हुआ। उस रोटी का तत्व ईसा मसीह के शरीर के तत्व में बदल दिया, उसको हम लोग ट्रांससब्सटेंशिएशन कहते हैं। इसका मतलब हरेक पवित्र मिस्सा बलिदान में ये तत्व परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब वो रोटी है, वो दाकरस है, पूर्ण रूप से ईसा मसीह है,
उसके लिए अगला उदाहरण मैंने बोल करके दिया, रोटियों के चमत्कार में रोटियों में बदलाव लाता हुआ लाया था, और ईसा मसीह पानी के ऊपर चल करके इसके बाद कर करके दिखाया, प्रभु अपने में बदलाव ला सकता है, प्रभु अपने में बदलाव ला सकता है। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 23 सॉरी अध्याय 21 वाक्य 3 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, अध्याय 21 रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 3 में लिखा है, देखो यह मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उनकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। जर्मिया का ग्रंथ का भविष्यवाणी को यहां फिर से बोल करके बोल रहा है, ईश्वर अपना निवास स्थान मनुष्यों के बीच में रखेगा। और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 20 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मर करके जी उठने वाला यीशु मसीह अपने शरीर का जो बदलाव है एक नया तरीके से हो गया, क्योंकि रूपांतरित शरीर है, वो रूपांतरित शरीर है, उस शरीर के साथ मनुष्यों के बीच में रहने का वादा किया मत्ती के सुसमाचार 28 वाक्य 20 में। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 का वाक्य 3 में भी प्रभु ये वादा कर रहे हैं उनके बीच में। और नबी इसहाक का ग्रंथ के अंदर, नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 15 के अंदर, यशायाह चैप्टर 45 वर्स 15 में एक भविष्यवाणी नबी इसहाक कहते हैं, इसराइल के ईश्वर सचमुच वो ईश्वर है जो अपने को छिपाता है, जो अपने को छिपाने वाला ईश्वर है करके। कहां छिपाता है? एक रोटी में, बोला ये मेरा शरीर है, मेरा रक्त है। अभी एम्माउस की घटना को थोड़ा समय लेना चाहूंगा, एम्माउस का घटना लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 13 से आगे हम लोग एम्माउस की इस घटना हम लोग पढ़ते हैं। और वो एम्माउस पहुंचने के बाद शिष्यों के साथ वो घर में प्रवेश करते, शिष्य लोग भोजन लेकर के आया, रोटी दाकर से लेके आया, ईसा मसीह ने उसे ले लिया, आशीर्वाद का प्रार्थना पढ़ते हैं, इसके बाद उसे तोड़ करके उन शिष्यों को दिया। शिष्यों ने जब उसको लिया, ईसा मसीह उनके आंखों से ओंछल हो गया। कहां ओंछल हो गया? ये बाइबल पंडितों का मत है, जब शिष्य लोगों ने उस रोटी को लिया, ईसा मसीह इसका मतलब आंख के सामने अभी रोना जरूरी नहीं है, उनके उस रोटी में ईसा मसीह उनके अंदर गया, उनमें प्रवेश कर दिया है। इसलिए वहां पर लिखा हुआ उनके आंखें खुल गई। रोटी खाने से कैसे आंखें खुलेगा? क्योंकि मसीह उनमें आया उस रोटी के रूप में, इसका मतलब वो रोटी नहीं, मसीह को उन्होंने ग्रहण किया, इसलिए उनके आंखें खुल गई। पहले संध्या हो गया है, अभी डरावना समय है, इसलिए तुम भी हमारे साथ आओ बोल करके बुलाने वाला डरपोक शिष्य लोग, वहां पर हम लोग देखते हैं उस घड़ी वे लोग उस घर से उठते हैं, यरूशलेम की ओर लौटते हैं। उन्हें डर भय दूर हुआ, क्योंकि ईसा मसीह रोटी के रूप में उनके अंदर आ गया। इसका मतलब पवित्र मिस्सा बलिदान के अंदर एक ट्रांस सब्सटेंसिएशन चलता है, जो तत्व परिवर्तन के द्वारा उस रोटी ईसा मसीह के शरीर में और रक्त में बदलता है। अंधी भोजन के समय पर ईसा मसीह, यह मेरा शरीर का प्रतीक है, यह मेरा रक्त का प्रतीक है बोल करके नहीं दिया, बल्कि यह मेरा शरीर है बोल करके दिया। इसका मतलब वो सचमुच में ईसा मसीह का शरीर है, देखने में खाने में सूंखने में सब रोटी है, लेकिन उसका तत्व ईसा मसीह का तत्व में बदल गया था। अभी इस दुनिया में अनेकों यूक्रिस्तीय चमत्कार हुए हैं। अभी मैं एक चमत्कार के बारे में आगे एक दिन में क्लास लूंगा, ताकि इसको और स्थापित करने के लिए। जितने भी चमत्कार हुआ, उन चमत्कारों के जहां कहीं भी स्टडी किया गया, साइंटिफिक स्टडी किया गया, कुछ बातें कॉमन निकला, चाहे वो इटली में हुआ, चाहे हमारे भारत देश की स्टडी में हुआ,
चाहे वो कहीं अन्य देश में कहीं भी हुआ, जिस देश में भी ये चमत्कार हुआ है उसका एक कॉमन बात ये है, जिसमें भी ऐसा चमत्कार हुआ है वहां जो ब्लड ग्रुप मिला है ये भी पॉजिटिव मिला, हर जगह पर ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब इस समस्या का रक्त ग्रुप ये भी पॉजिटिव है, और जहां कहीं भी उसको जांच किया जीवित मनुष्य का, क्योंकि वो जीवित रक्त में, जीवित मनुष्य के जो रक्त हम लोगों को निकाल करके जो लैब में टेस्ट करते हैं उसी प्रकार का रक्त वहां पर मिला था, ये भी पॉजिटिव हर जगह पर मिला, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, अगर उस मांस को टेस्ट किया है वो एक मनुष्य का, जीवित मनुष्य का, जिसने भी कष्ट पीड़ा सह करके जो मरा था, ऐसे जीवित मनुष्य का हृदय का भाग है करके हर टेस्ट में मिलाया, हृदय का भाग। इसका मतलब ईसा मसीह पूर्ण रूप से हमारे अंदर पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा, इस रोटी और दाकरस को ग्रहण करने के द्वारा हमारे अंदर आता है। रोटी को चाहे कितना भी छोटा टुकड़ा में बदल दे, टुकड़ा भी कर दे, वो छोटा सा एक कण भी पूर्ण रूप से ईसा मसीह का शरीर रक्त मसीह में बदलता है। इसलिए ईसा मसीह ने योहन के सुसमाचार अध्याय 6:57 में कहा, जो मुझे खाता है, जो मुझे खाता है उसे मेरे द्वारा जीवन मिलेगा। इसका मतलब हम रोटी नहीं, दाकरस नहीं, बल्कि प्रभु को खाता है मिस्सा बलिदान में, इसलिए भाग लेना जरूरी है। अन्य सभी प्रार्थनाओं में, प्रार्थना के द्वारा हमें ईश्वर का आशीष कृपाएं मिलता है, लेकिन मिस्सा बलिदान ऐसा एक प्रार्थना है जिस प्रार्थना के द्वारा हमें उस कृपा का स्रोत स्वयं प्रभु ईसा मसीह प्राप्त होता है। इसलिए हमें निर्णय करना है, मैं प्रभु को ग्रहण करता हूं। इसलिए मिस्सा बलिदान हमें प्रभु को प्रदान करता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें रोज मिस्सा बलिदान में जाने का, और योग्य रीति से प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करने का। रोटी नहीं बल्कि प्रभु को हम ग्रहण करता है, दाकरस नहीं बल्कि प्रभु को, प्रभु का रक्त को हम ग्रहण करता है। ट्रांससब्सटेंसिएशन, तत्व परिवर्तन के द्वारा ये पूरा होता है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, स्तुति कीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।